हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ ए टू जी कंटेंट में। आज का हमारा टॉपिक है कि कुकिंग वीडियो को बिना ट्राइपॉड के कैसे शूट करें और कैसे एंगल भी अच्छा हो, आपकी वीडियो भी मूव ना हो, स्टेबल रहे। इसी टॉपिक को मैं कवर करने जा रही हूँ। काफी टाइम पहले रिक्वेस्ट आई थी कि कुकिंग वीडियो को बिना ट्राइपॉड के कैसे शूट करें, इसके अलावा ब्लॉगिंग वीडियो को कैसे शूट करें एंगल के साथ अच्छे से बताइए। वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो गई, तो चलिए देखते हैं कि बिना ट्राइपॉड के आप कुकिंग वीडियो कैसे बना सकते हैं और साथ ही ब्लॉगिंग वीडियो और कुकिंग वीडियो दोनों को मैंने कंबाइंड करके इसी वीडियो में बताया है बिना ट्राइपॉड के कैसे बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी बहुत सी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये दिखा दूं कि अगर दिन का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, तो भी मेरे किचन में बिना लाइट के उजाला नहीं होता है। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा अंधेरा है कि कुछ भी शूट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से दो लाइट्स लगी हुई है जो कि ऑन करने के बाद ही मैं अपनी कुकिंग वीडियो शूट करती हूँ। अब हमें बिना ट्राईपॉड के वीडियो शूट करनी है तो हम ड्रॉअर में कुछ ऐसा ढूंढेंगे जो कि थोड़ा सा ट्राईपॉड का काम कर सके। ये देखिए मिल गया मुझे, तो आप ये वाला या फिर ये वाला कोई भी एक ले सकते हैं और इसमें जो बालों में रबर लगाया जाता है ना, उससे अच्छी तरीके से अपने मोबाइल को इसमें फिक्स कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए बिना पैसा खर्च किए हमारा जुगाड़ हो गया और हमने यहाँ पे बना लिया है ट्राईपॉड। जी हाँ, बहुत काम में आएगा ये आपको, आप आगे वीडियो में देखेंगे अभी कि हम इससे कैसे वीडियो शूट करते हैं। आपको वीडियो शूट करते समय कुकिंग चैनल खास करके आपको इस तरीके से कैमरे को कभी भी नहीं रखना है। इस तरीके से जब आप कैमरे को रखते हो तो जो भी हीट है, अगर आप ऊपर रखें तो भी इस तरीके से रखने से जो भी हीट है, जो भी आग इसमें से निकलेगी, स्टीम निकलेगी, वो आपके फोन को थोड़े टाइम के बाद गर्म करने लग जाती है और आपका फोन जो है वो खराब हो सकता है। मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया था, मुझे भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं था, तो मैं क्या करती थी, ट्राईपॉड को एकदम सामने ही इधर करके रख देती थी और कैमरे को हमेशा इस तरीके से ऊपर रखती थी। मुझे ऐसे लगता था कि जितना ज्यादा क्लोजअप में ले पाऊं, जितना ज्यादा ऊपर रख पाऊं, रखने से अच्छी वीडियो बनेगी, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था तब मुझे भी। मैं इस तरीके से इतनी ऊंचाई पे अपने फोन को रख दिया करती थी, मेरा फोन थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता था। कोई भी चीज फ्राई करती थी, इसमें से जो भी आग निकलती थी, स्टीम निकलता था, डायरेक्ट फोन पे लग के मेरा फोन जो है वो गर्म हो जाता था और इससे फोन आपका खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी डायरेक्ट कुकर, कढ़ाई, जो भी है, कुकिंग जो भी आप कर रहे हैं, डायरेक्ट कैमरे को इस तरीके से नहीं रखना है, इस तरीके से रखना है आपको। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर आपका कढ़ाई दिखाई दे रहा है, प्रॉपर आपकी सारी चीजें दिखाई दे रही है और इस तरीके से रखने से आपका फोन फायर से, स्टीम से, गर्मी से दूर है, उससे आपका फोन खराब नहीं होता है। ओके, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है कि आपको फोन को इस तरीके से थोड़ा सा साइड में रखना है, लेकिन एंगल इस तरीके से चेक जरूर करिए कि आपका पूरा कढ़ाई, कुकर, जो भी आपने रखा है, जो भी आप वीडियो में दिखाना चाह रहे हैं, वो चीजें दिखाई दे, तो उस हिसाब से हैंडल करके आप रख लीजिए। इसे अगर ज़्यादा देर तक एक हाथ में पकड़ के आप काम करेंगे तो आपका हाथ भी दर्द होने लगेगा और वीडियो भी थोड़ी सी हिल जाएगी, क्योंकि दोनों हाथ का काम होता है किचन में। तो हम क्या करेंगे, चलिए अगला जुगाड़ कर लेते हैं। हम हमने यहाँ पे रखे हैं क्यों, क्योंकि एक डब्बा काफी छोटा है तो वो एंगल ही नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है, इसका ढक्कन खोल दिया है और इस तरीके से आप इसमें फंसा दीजिए, इस तरीके से भी रिकॉर्ड हो पा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा ही सीधा है तो वहां की जो चीजें हैं, तवा हो गया, बर्नर हो गया, वो बर्तन की जाली हो गई, वो सारी चीजें भी इसमें दिखाई दे रही है जो कि हमें नहीं दिखाना है। कुकिंग वीडियो में जितना इम्पोर्टेंट चीजें हैं, फोकस में जो हमारी रेसिपी है वही दिखना चाहिए और आसपास की चीजें नहीं दिखनी चाहिए। तो अब आप, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, पास से दिखाती हूँ मैं आपको।
ये देखिए, जब एक डब्बे में मैंने इस तरीके से इसे खड़ा किया है, खड़ा है ठीक है, और वीडियो आप ऐसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कढ़ाई भी अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन आप बैकग्राउंड में चीजें देख रहे हैं वो सारी चीजें भी दिखाई दे रही है जो कि हमको नहीं दिखाना है। वैसे तो जब आप वीडियो एडिट करेंगे ना तो ये सारी चीजें कट भी हो सकती है, लेकिन इसे और ज्यादा अच्छे से कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप देखिए, मैंने एक डब्बे के ऊपर यहाँ पे एक दूसरा डब्बा रख दिया है, दोनों सेम साइज के हैं। इसका ढक्कन मैंने ओपन कर दिया है, ये मेरा मसाले का डब्बा है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे डाल देंगे। आप वैसे कुछ और भी जुगाड़ लगा सकते हैं, लेकिन मैं किचन का वीडियो बना रही हूँ तो मैंने किचन की ही जो भी चीज़ें हैं वो उठा ली है। अब आप देखिए, यहाँ पे हमारी कढ़ाई ठीक से नहीं दिख रही है, तो हमें डब्बे को थोड़ा सा मूव करना होगा, एडजस्ट करना होगा, ताकि हमारा जो कढ़ाई है वो भी अच्छे से दिखाई दे। अब आप वीडियो में देखिए कि जो एक्स्ट्रा तवा दिख रहा था, जो बर्तन दिख रहे थे, वहां से बर्तन की जाली दिख रही थी, वो सारी चीजें यहाँ पे अब दिखाई नहीं दे रही है। मेन फोकस हमारा कढ़ाई है, सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्राईपॉड नहीं लेना चाहते हैं, पहले इस तरीके से जुगाड़ करके कुछ करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, चावल का डब्बा होता है, उसमें इजिली खड़ा हो जाएगा इस तरीके का, उलटना आप अगर डालेंगे। आटे के डब्बे में भी खड़ा हो जाता है, तो मेरे पास यहाँ पे मसाले का डब्बा मेरे दिमाग में आ गया, हल्दी मिर्ची वाला, तो मैंने यही ले लिया है। इस तरीके से बिना ट्राईपॉड के आप अपनी कुकिंग वीडियो शूट कर सकते हैं। ये लाइटिंग की जो एंगल है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है इसमें। अगर मैं इस तरफ खड़ी होके इस रेसिपी को बनाती हूँ तो क्या होता है, मेरी शेडो आ जाती है, और शेडो आने की वजह से ये इसके ऊपर एक शेडो आ जाती है, और जो इंग्रेडिएंट्स है वो ठीक से दिखाई नहीं देता है। ओके, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से खड़ा होना है कि हमारी रेसिपी के ऊपर शेडो ना आए। तो मैं मोस्टली इस साइड में खड़ी रहती हूँ कुकिंग करते समय। इस तरफ जब मैं खड़ी होती हूँ तो मेरे इंग्रेडिएंट पे, मेरी जो रेसिपी बन रही है उस पे शेडो नहीं आती है, क्योंकि ये वाली जो लाइट है, ये वाली, इसका सीधा फोकस मेरी रेसिपी पे आता है। अगर मुझे कभी ऐसा फील होता है कि बिल्कुल ज्यादा लाइट की कमी है, बहुत ज्यादा बादल सा हो रखा है, उजाला ठीक से नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, ये चिमनी का जो लाइट है ये भी ऑन कर देती हूँ। मैं आपको अभी ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा उजाला आ गया ना। तो कभी कभी मैं ये भी करती हूँ कि ये चिमनी की लाइट ऑन करके अपनी वीडियो को शूट करती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा लाइट रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो अगर आप ट्राइपॉड नहीं खरीदना चाहते हैं, वैसे तो बहुत सस्ता मिलता है, आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए फोन कितनी अच्छी तरीके से रखा है, मूव भी नहीं करना है आपको, इसी तरीके से पूरी वीडियो को, अपनी कुकिंग वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। ओके, मैं अगर ब्लॉगिंग की बात करूं, ब्लॉगिंग में भी तो रेसिपी शूट की जाती है, अपने बारे में भी बताया जाता है। तो कभी भी जिस तरफ लाइट है, ये देखिए जिस तरफ लाइट है उसी तरफ हमें नहीं खड़ा होना है, हमें इस तरीके से खड़ा होना है कि हमारे फेस पर लाइट आए, या फिर कोई चीज आप दिखा रहे हैं फोकस में, कोई ऑब्जेक्ट, कोई और सब्जेक्ट है आपका, तो उसके ऊपर लाइट आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस तरीके से खड़े होकर के देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो विंडो की वजह से सनलाइट आ रही है वो भी फेस पे आ रही है, खास करके जो सामने लाइट जली हुई है उसका उजाला भी चेहरे पे आ रहा है, तो चेहरा ज्यादा क्लियर है, चीजें ज्यादा क्लियर है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको कोई भी वीडियो हो, कुकिंग वीडियो हो, या फिर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं उसकी वीडियो हो, या फिर किसी और टॉपिक से कोई भी टॉपिक होने दीजिए, दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके कैमरे का एंगल कैसा है। तो एंगल मैंने आपको बता दिया है आपको कैसे रखना है। ब्लॉगिंग करते समय आप स्ट्रेट रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कुकिंग वीडियो मैंने आपको दिखाया है कि आपको एंगल किस तरीके से रखना है। यही दो चीजें ध्यान रखनी है कि लाइट सही एंगल में होना चाहिए, आपका फोन सही एंगल में होना चाहिए, तभी आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है। ओके, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, जिस तरफ अच्छी लाइट आ रही है उसी तरफ आपको अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। आप एंगल एक बार अच्छे से देख लीजिए कितना ज्यादा दूर है,
और बिल्कुल भी गैस के पास नहीं है हमारा कैमरा और कितनी ऊंचाई पे मैंने रखा है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बिना ट्राइपॉड के तो आप एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हो गई कुकिंग वीडियो की बात। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने ये लगाया है। इस आप स्केल भी ले सकते हैं, कोई और चीज भी ले सकते हैं। जिस तरीके से मैंने इसे फिक्स किया है उस तरीके से फिक्स करके अगर आप ब्लॉगिंग भी करते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, ये देखिए, अगर आप अपनी वीडियो बनाते हैं इस तरीके से इसे लगा के, इसे पकड़ना, होल्ड करना बहुत ज्यादा इजी होता है। आपको ऐसा नहीं होगा कि फोन गिर जाएगा या फिर वीडियो स्टेबल नहीं है, हाथ थोड़ा सा भी मूव हो गया तो फिर क्या होता है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन इस तरीके से आप कुकिंग वीडियो भी बनाएंगे इस तरीके से सेट करके, और अगर आप ब्लॉगिंग भी करते हैं इस तरीके से, डेली रूटीन वीडियो बना सकते हैं या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हैं तो इस तरीके से चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो बिना ट्राइपॉड के आप स्टार्टिंग में इस तरीके से वीडियोस बना सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली रूटीन वीडियो के बारे में भी थोड़े डिटेल्स बता देती हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने कैमरा रखा है तो बिल्कुल काला सा दिख रहा है चेहरा। हम डेली रूटीन वीडियो शूट करते हैं तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमें कैमरे को लेके जाना पड़ता है, बिल्कुल अपनी परछाई की तरह। जी हाँ, तो कहीं कहीं पर तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने कोशिश भी की थी तो नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको रूम में भी अभी दिखाती हूँ कि आपको एंगल को कैसे चेक करना है, कैसे रखना है कैमरे को। अब आप देखिए, कैमरे को मैंने बाहर रख दिया है और सनलाइट बिल्कुल मेरे फेस पर आ रही है। तो इसी तरीके से आपको अपने कैमरे के बारे में सोचना है और रखना है। अब मैंने इस तरीके से कैमरा रखा है विंडो की साइड में फेस करके और डोर से भी उजाला आ रहा है तो चेहरा बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है, चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक और एंगल से चेंज किया है तो थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है, फिर भी अभी क्लियर नहीं है क्योंकि डोर का उजाला हमारे पीछे की तरफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सनलाइट है और जो भी लाइट है वो सारा हमारे फेस के सामने होना चाहिए ताकि हमारे फेस के ऊपर अच्छा खासा उजाला हो। अब आप देखिए, मैंने वापस से एक और एंगल, एक ही रूम में तीन एंगल से मैंने आपको इस वीडियो को शूट करके दिखाया है तो अब आप देख सकते हैं जो डोर से और विंडो से उजाला आ रहा था वो भी मेरे चेहरे पे आ रहा है, मेरे ऊपर आ रहा है। और दूसरी बात, लाइट का भी उजाला जो है चेहरे पे आ रहा है तो अब जो वीडियो है वो ज़्यादा क्लियर है, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है और वीडियो अच्छी आ रही है। तो आपको भी बिल्कुल यही चीज़ का ध्यान देना है, लाइट और एंगल कैसे आपने रखा है, बस यही दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आप कोई भी वीडियो शूट करें उसमें। जब आप ब्लॉगिंग वाली, डेली ब्लॉगिंग वाली वीडियो शूट करते हैं तो आपको अपने फ़ोन का एंगल एकदम स्ट्रेट रखना होता है, अपने हाइट पे, अपने आपने जिस पोजीशन में है बिल्कुल वही पोजीशन पे। कुकिंग वाला तो मैंने दिखा दिया है, वही एंगल सही है जो दिखाया है, लेकिन डेली रूटीन ब्लॉग में आपको एंगल थोड़ा बहुत चेंज भी कर देते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे दृशा की एग्ज़ाम भी है तो मैं काम भी कर रही हूँ और साथ ही साथ उसे पढ़ा भी रही हूँ। इस वीडियो में कुकिंग वीडियो कैसे शूट करें और डेली ब्लॉगिंग वीडियो और डेली रूटीन वीडियो कैसे शूट करें उसके ऊपर मैंने बहुत बारीकी से बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए यूज़फुल हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।